स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है आज की मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम जानेंगे आज की बड़ी और ताजा खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का सिलसिला। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज यानी 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो जाएगा। बता दें 20 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में 5 नए विधेयक विवादास्पद वक्फ समेत 10 बिल पारित हो सकते हैं। खिरकिया, हरदा और टिमरनी में कांग्रेस की बैठक आज यानी 25 नवंबर को आयोजित की जाएगी। बता दें कि जिला कांग्रेस कमेटी की संगठनात्मक बैठक में कमेटी के प्रभारी ठाकुर सुरेंद्र सिंह शेरा एवं सह प्रभारी रचना जैन मौजूद रहेंगे। कौशल विकास केंद्र इंदौर के द्वारा किसानों को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें उपसंचालक कृषि संजय यादव ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम बैच आज यानी 25 नवंबर से शुरू होगा। वहीं प्रशिक्षणार्थियों का चयन प्रथम आओ प्रथम पाओ के आधार पर किया जाएगा। हरदा में जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान हम होंगे कामयाब आज यानी 25 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगा। बता दें अभियान की शुरुआत महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया आज कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से सुबह 10 बजे करेंगी। लुधियाना में रेल अंडर ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने के कारण बंद होने वाला दोमोरिया पुल फिलहाल बंद नहीं होगा। बता दें इसके टेंडर की प्रक्रिया आज यानी 25 नवंबर को होनी है। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही दोमोरिया पुल यातायात के मद्देनजर बंद होगा। विदिशा में कलेक्टर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आज यानी 25 नवंबर को आयोजित होगी। बता दें ये बैठक नवीन कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार कक्ष में होगी। रेलवे की ओर से लखौली रायपुर रेलखंड के बीच 3 पुराने ब्रिज की मरम्मत की जा रही है। बता दें इसके लिए रेलवे ने ब्लॉक लेने की घोषणा की है। ब्लॉक के दौरान ही ब्रिज की मरम्मत का कार्य पूरा किया जाएगा। इस दौरान कई ट्रेनों को आज से रद्द कर दिया गया है। राज्य क्रीड़ा परिषद और क्षेत्रीय खेलकूद केंद्र के साझे में राज्य स्तरीय जनजाति खेल प्रतियोगिता आज यानी 25 नवंबर से महाराणा प्रताप खेलगांव में होगी। बता दें 3 दिवसीय आयोजन में 7 जिलों के खिलाड़ी 8 खेल प्रतियोगिताओं में खेलेंगे। झुंझुनू जिले के दिव्यांग जनों को संबल प्रदान करने के लिए आज यानी 25 नवंबर से ब्लॉक स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे। बता दें कलेक्टर राम अवतार मीणा ने बताया कि पहले दिन आज यानी 25 नवंबर को बुहाना ब्लॉक का शिविर बुहाना पंचायत समिति सभागार में लगेगा। मौसम विभाग की माने तो 25 और 26 नवंबर को होने वाली बारिश से मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि ठंडी हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी और लोगों को कड़ाके की ठंड महसूस होने लगेगी। वक्त हो चला है आज के इतिहास का, तो आइए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1866 में आज के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। साल 1867 में आज के दिन अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का पेटेंट कराया था। साल 1926 में आज के दिन भारत के भूतपूर्व 21वें मुख्य न्यायाधीश रंगनाथ मिश्र का जन्म हुआ था। साल 1948 में आज के दिन भारत में राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना हुई थी। साल 2020 में आज के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हुआ था। फिलहाल के लिए मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।